अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और पटना के एसएसपी महोदय का जल्द से जल्द तबादला किया जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिकन न्यूज और मैं हूं शुभम कुमार। स्वर्ण सेना के द्वारा आज कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। ये कैंडल मार्च जो है पटना के गांधी मैदान गेट नंबर 1 से चलकर ये लोग आगे बढ़ रहे हैं और तमाम जो स्वर्ण सेना के जो कार्यकर्ता हैं और उनके साथ साथ स्वर्ण सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं भागवत शर्मा, वो भी मौजूद हैं। हम सीधे उनसे जुड़ेंगे और जानेंगे आखिर क्या वजह है जो आप आज कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। रुपेश कुमार सिंह की निर्मम हत्या कर दी गई है अपराधियों के द्वारा। अपराधियों की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो और पटना के एसएसपी महोदय का जल्द से जल्द तबादला किया जाए ताकि जो सुरक्षा व्यवस्था यहाँ कायम रहना चाहिए। अपराधियों का मनोबल जिस तरह से बढ़ रहा है और इनसे संभल नहीं रहा है। मैं बड़ा सम्मान करता था उपेंद्र शर्मा जी का, लेकिन जो स्थिति है, एक मासूम जो शालीन व्यक्ति थे उनकी हत्या कर दी गई जा रहे, छोटे छोटे उनके बच्चे हैं, कैसे चलेगा सर बिहार? ये स्थिति बहुत खराब है। और मैं उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए आज हमारे तमाम साथी नौजवान लोग आए हैं, सभी से बात कीजिए। और सभी के दिलों में बहुत आक्रोश है और न्याय दिलाने के लिए हम लोग आए हैं और न्याय दिला करके ही चैन लेंगे। अच्छा, एक बात और है, नीतीश कुमार लगातार अधिकारियों के साथ बैठक कर रहे हैं क्राइम व्यवस्था को लेकर। पांचवी बैठक भी हो गई लेकिन उसके बावजूद भी जो हत्याएं हैं वो हो रही हैं और ताज़ा मामला नहीं संभल रहा है। इनको इस्तीफा दे देनी चाहिए, नीतीश कुमार जी को इस्तीफा दे देनी चाहिए, इनसे शासन नहीं चलेगा। अपराधियों का जिस तरह से मनोबल बढ़ रहा है दिन प्रतिदिन, मनोबल जिस प्रतिदिन बढ़ रहा है, ये बिहार के लिए कहीं घातक सिद्ध ना हो जाए। अच्छा, एक आखिरी सवाल, स्वर्ण सेना क्या करेगा, अगला कदम क्या रहेगा? अगला देखिए, हम कहते नहीं करते हैं और करके दिखाएंगे, हमेशा हमने करके दिखाया है। और अपराधियों को जल्द से जल्द, अगर अपराधियों पे लगाम नहीं लगाया गया तो पूरे बिहार को बंद किया जाएगा। चलिए, तो ये थे हमारे साथ भागवत शर्मा, जिनका सीधे तौर पर कहना था कि हम जो करते हैं वो उसको पूरा करते हैं और लगातार इनका आवाज़ जो है यूं ही उठता रहेगा अगर जब तक उनके कातिलों को, उनके हत्यारों को नहीं पकड़ा गया। हमारे साथ कुछ और लोग हैं, हम उनसे भी जानेंगे। आपका नाम क्या हुआ? किशोर पड़ेगा। कहाँ से आए हैं आप? मैं दिल्ली से आया हूँ। दिल्ली से आया हूँ, तो आपने भी हाथों में जो है रुपेश कुमार का फोटो लिया हुआ है, तो क्या आप मिले थे उनसे, आपकी बात? हाँ, मिले थे, बढ़िया फ्रेंड थे हमारे। ऐसा दुखद घटना नहीं होना चाहिए। फिर मैं गवर्नमेंट से गुजारिश करूंगा कि इसके ऊपर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए, क्योंकि ऐसे घटना से हमारा फील्ड बदनाम होता है और इनको इंसाफ मिलना चाहिए। कहाँ मुलाकात हुई थी आप? हमारी दिल्ली मुलाकात हुई थी। दिल्ली मुलाकात हुई थी। कैसे व्यक्ति थे? फ्रेंड, बड़ी बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, काफ़ी फ्रेंडली। रुपेश कुमार जिनकी कल देर शाम जो हत्या हुई है, उनके दोस्त ये बतला रहे हैं और इनका कहना था कि काफ़ी अच्छे व्यक्ति थे और इन्होंने दिल्ली में उनसे मुलाकात भी की थी। तो आप देख सकते हैं कि लगातार जो स्वर्ण सेना के जो कार्यकर्ता और जो राष्ट्रीय अध्यक्ष भागवत शर्मा हैं, वो गेट संख्या 1 से चलकर अब सीधे ये लोग कारगिल चौक पे जाएंगे। तब तक के लिए आप बने रहें रिपब्लिकन न्यूज़ के साथ। रिपब्लिकन न्यूज़ से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए यहाँ बेल को दबाएँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें।